जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए पूरी इंडस्ट्री की फिर से लेके आ गया हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से, जो कि आती है नेट प्लस ब्रॉडबैंड की तरफ से। अब ये जो ब्रॉडबैंड कंपनी है ना, ये कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन इन्होंने अभी अपने फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान्स बिल्कुल रिवैम्प कर दिए हैं, डबल स्पीड्स कर दिए हैं सेम प्राइसेस पे, एंड प्लान्स अब इनके बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। अगर इनके प्राइसेस पे निगाह डालते हैं तो 499 में आपको 100 एमबीपीएस मिलता है, 599 में 150 एमबीपीएस एंड 699 में 200 एमबीपीएस, लेकिन सबसे बेस्ट प्लान मुझे लगा इनका 999 का, 400 एमबीपीएस की स्पीड, साथ में ओटीटी का पूरा बंडल जिसमें सोनी लिव, Z5, ओल्ड बालाजी एंड बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आप कंपेयर कर लो चाहे एयरटेल के ब्लैक फाइबर से या फिर जियो के ब्लू वाले फाइबर से या किसी के भी अदर कंपनी से, मुझे लगता है इस टाइम पे शायद ये चीपेस्ट ब्रांड बन रहा है, शायद एक्साइटल भी है इसी के आसपास, लेकिन ये काफी अच्छी ऑफरिंग है ओवरऑल। अगर आप एक फाइबर ब्रॉडबैंड देख रहे हो तो देख लेना, अगर आपके सिटी में हो तो एक बार टेस्ट आउट आप जरूर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मेरी सिटी में अवेलेबल नहीं है, होता तो मैं टेस्ट आउट करके जरूर बताता। अगली अपडेट है जियो के एयर फाइबर की तरफ से, एंड आपको पता ही है लास्ट कुछ 3-4 महीने पहले जियो ने अपना एयर फाइबर के बारे में हमको बताया था, तब से काफी ज्यादा रूमर्स, काफी ज्यादा स्पेक्युलेशन, काफी ज्यादा होप्स लगी हुई है मार्केट में कि जियो फाइबर कब आए एंड कब लोग उसको एक्सपीरियंस करें, मजे उठाएं उसके। एंड रिसेंटली हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बताया था कि वो बोकारो स्टील सिटी के आसपास कहीं रहते हैं एंड वहां पे उनका कनेक्शन लग गया है एयर फाइबर का। तो वहां पे बेसिकली सीन ऐसा है कि जिस तरीके से हमारे घर के बाहर फाइबर की वायर का बॉक्स आके लग जाता है, ठीक उसी तरीके से एयर फाइबर में भी वो बॉक्स आपके घर के बाहर तक आएगा, लेकिन एयर फाइबर अंदर वायरलेसली इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि आपके पूरे घर में 5G स्पीड्स को ऑफर कर पाएगा। तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक्सपीरियंस करने को मिले तब तो मजा आए कि असली एक्सपीरियंस है कैसा। रिलायंस इंडस्ट्री के जो प्रेसिडेंट हैं किरण थॉमस, उनके हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है एंड 2023 के एंड से पहले पहले ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों के अंदर ये एयर फाइबर इंस्टॉल हमको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया है भाई, आए तो फिर वीडियो बनाएं, देखें, मजे करें, 5G का लुफ्त भी उठाएं और फिर बताएं भी कि भाई मतलब का है लेने का या फिर नहीं। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, तो एयरटेल ने पार्टनर करा है सिक्योर मीटर से। अब बेसिकली सिक्योर मीटर एक कंपनी है जो कि एनर्जी सेविंग या कह लो या एनर्जी एफिशिएंसी, रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, इन सारी कैटेगरीज के अंदर अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एयरटेल ने इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, बेसिकली बिहार के 13 लाख घरों के अंदर IoT स्मार्ट मीटर्स में अपना पूरा सिस्टम डालने का, इंस्टॉल करने का। एंड एयरटेल बेसिकली 5G से और ज्यादा धीरे धीरे करके यूज केसेस बढ़ाना चाह रहा है, जिससे इवेंचुअली लोग उसके 5G पे स्विच करें एंड उनको ज्यादा पैसा दें। अब सबसे ज्यादा इस समय टेलकोस की प्रॉब्लम यही आ रही है कि 5G के केपेक्स में खर्चा तो हुआ चला जा रहा है, टॉवर्स लगे चले जा रहे हैं, लेकिन उतने ज्यादा 5G के यूज केसेस है ही नहीं आज की डेट में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या चाहिए, YouTube पे लाइव देख लेंगे, OTT कंटेंट देख लेंगे, कुछ डाउनलोडिंग वगैरह कर लेंगे, जो कि इनफ है 4G पे भी। 5G के एक्चुअल यूज केस ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं जिससे लोग ज्यादा पैसा खर्चा करें, एंड कंपनीज अब उसके अराउंड में पूरा एक इकोसिस्टम बनाने में लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा यूज केसेस बनाए जाएं जिससे लोग 5G को एक्सपीरियंस भी करें, मजे भी करें एंड खर्चा भी करें। बेसिकली जो एयरटेल का सॉल्यूशन है वो नैरो बैंड IoT पूरा सॉल्यूशन बनाया गया है, जो कि फॉल बैक कर रहा है 2G एंड 4G के ऊपर, लेकिन आगे चल के इसको 5G कंपैटिबल बनाया गया है। बेसिकली रियल टाइम में ज्यादा से ज्यादा डेटा अच्छे से फेच हो पाए, ये सारी चीजें इस डिवाइसेस के अंदर डाली जा रही हैं। अगली अपडेट है 5G के टॉवर्स को लेके। अगर एयरटेल और जियो को देखें तो दोनों ही कंपनीज धड़ल्ले से अपने 5G के टॉवर्स लगाने में लगी हुई हैं, लेकिन अगर नंबर्स को देखें तो मार्च 3, 2023 को, जैसा कि लेटेस्ट रिपोर्ट है, एयरटेल ने अप्रोक्सीमेटली 19,000 अपने टॉवर्स इंस्टॉल करे 5G के लिए, वहीं पे जियो ने 89,000 से भी ज्यादा 5G टॉवर्स को इंस्टॉल किया। बेसिकली जियो ने 4 गुना ज्यादा टॉवर्स इंस्टॉल कर लिए, लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरिजन करो तो जियो 500 सिटीज में अवेलेबल नहीं है, जो कि एयरटेल कर चुका है। तो देखने वाली बात यह कि इतने कम टॉवर्स में एयरटेल ने 5G कवरेज कर ली, लेकिन जियो इतने ज्यादा खर्चे, इतने ज्यादा टॉवर्स लगाने के बाद भी अभी एयरटेल के बराबर भी नहीं पहुंच पा रहा, तो ऐसा क्या सीन है? सीन है सिंपल जी, एयरटेल काम कर रहा है NSA के ऊपर, जियो काम कर रहा है SA के ऊपर, एंड दोनों के जो 5G के कोर हैं काफी ज्यादा डिफरेंट हैं, बहुत ज्यादा अलाइन नहीं है एक दूसरे से। एंड अगर आप नहीं जानते कि पूरा सीन क्या है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप चाहके जरूर देख लेना, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि 5G SA वर्सेस NSA का पूरा एक्चुअल डिफरेंस है क्या। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि टिम कुक भैया जब इंडिया आए तो सबसे पहले गए एंटिला अंबानी साहब को शायद 2 महीने का एडवांस देने गए होंगे अपने रेंट स्पेस का। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एप्पल जियो से मिला है तो क्यों
क्यों भाई एयरटेल से क्यों नहीं मिलेगा, तो टिम कुक ने एयरटेल के सुनील भारती मित्तल से भी एक पूरी घंटा दो घंटा लंबी पूरी एक मीटिंग करी एंड बताया गया कि भैया दोनों में बस ठीक ठाक सी चर्चाएं हुई कि हाँ भाई थोड़े और क्लोजली काम करेंगे जैसे इंडियन एंड अफ्रीकन मार्केट्स में, क्योंकि एयरटेल का अफ्रीका में भी अच्छा खासा सेटअप बना हुआ है। एंड दोनों ही कंपनीज ने बहुत ज्यादा इस बारे में बात करी कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ, बेसिकली रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करने हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एनवायरमेंट को थोड़ा बचा के चलना है एंड सो ऑन। बाकी कोई खास ऐसी कोई पार्टनरशिप वाली बात, कोई अनोखी कस्टमर सेंट्रिक डील नहीं निकल के आई कि हमको कुछ फायदा हो सकता है अगर हम एयरटेल के थ्रू आईफोन 15 लें या फिर ऐसा कुछ, पता नहीं। देखो बंद कमरे में बातें हुई हैं भाई, अभी तो बाद में कोई डील आए तो पता चलेगा क्या हुआ है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो ट्राई ने सारी कंपनीज को ये बोला है कि आप अपने 5G का सब्सक्राइबर बेस सेपरेटली रिपोर्ट करो। तो सीन ऐसा है कि एयरटेल एंड जियो अपने नॉर्मली पब्लिक मीडिया के अंदर तो बता देते हैं कि हमने इतने यूजर्स टच कर लिए 5G के या फिर इतने कर लिए, लेकिन ऑफिशियली ये रिपोर्ट नहीं किया है अभी तक ट्राई में कि भैया हमारे इतने यूजर्स स्पेसिफिकली 5G यूज कर रहे हैं हमारे 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ट्राई ने बोला है कि अभी तक हमारे पास जो डेटा है वो सारा है 2G के सेपरेट यूजर्स हैं, 4G के सेपरेट हैं, 3G तो खैर सारी कंपनियों ने बंद ही कर दिया था, उसका मैटर ही खत्म। लेकिन अब हमको क्योंकि देश के अंदर दो हाई स्पीड नेटवर्क चल रहे हैं 4G भी एंड 5G भी, तो ट्राई ने बोला है कि भैया हमको तो 5G के अलग नंबर चाहिए सारे के सारे। तो जियो और एयरटेल दोनों को बोला गया है कि टाइमली बहुत बढ़िया तरीके से इसकी रिपोर्ट बना के दी जाए, और साथ में रहा बचा वी तो उसको भी रिपोर्ट भेजी है कि भैया तुम भी कुछ अपडेट दो, 5G लॉन्च करना ही नहीं करना है तुमको। नहीं ऐसे मतलब डांट के नहीं बोला, लेकिन एक लेटर लिखा गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 10% भाग गया भाई सीधा। बेसिकली सीन ऐसा है कि खबर ऐसी आई, कुमार मंगलम बिरला जो इनके पहले पूरा संभाल रहे थे, पूरा बिजनेस टाइकून है, पूरा ये सब कुछ संभाल रहे थे, तो उन्होंने जब गद्दी छोड़ी थी वी की तो एक दिन में 24% वी का स्टॉक धड़ल्ले से गिर गया था। एंड फाइनली वो जब रिटर्न हुए हैं वी के बोर्ड पे एज एन एडिशनल डायरेक्टर, तो इस चीज को मार्केट ने काफी पॉजिटिव तरीके से लिया एंड वहां पे शेयर प्राइस सीधा 10% ऊपर भाग गया। लेट्स सी, अच्छी उम्मीदें दिख रही हैं भाई मार्केट को कि कुछ तो कर जाएगा वी। वैसे क्या बोलते हो, वी के स्टॉक वगैरह लेके रखे हुए हैं या फिर नहीं? वी को एक्चुअल में बहुत ज्यादा फंड रेजिंग की अभी भी जरूरत है, तब जाके ये लोग 5G को अच्छे से इंफ्रा में इन्वेस्ट करके मतलब पूरा रोल आउट कर पाएंगे एंड तब जाके कंट्री में कहीं ना कहीं अच्छे से ये लोग 5G को लॉन्च कर पाए। पता नहीं यार 2023 भी मुझे ना मुश्किल ही दिख रहा है जिस हिसाब से कहानी चल रही है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट है, ट्राई रेकमेंड कर रही है AI एंड ML सॉफ्टवेयर्स दूसरी सारे टेलको ऑपरेटर्स को लाइक एयरटेल जियो एंड वी वगैरह को कि आप AI एंड मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर्स को यूज करो जिससे बेसिकली स्पैम SMS को कर्ब आउट किया जाए। एंड ट्राई ने यह भी बोला कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी अगर आप इस तरीके का मैकेनिज्म अपने कोर टेलको नेटवर्क के अंदर लगाते हो तो वो रेगुलरली ऑडिट भी होगा जिससे ये पता चले कि भाई प्राइवेसी भी लोगों की मेंटेन हो रही है या फिर नहीं, सिक्योरिटी पूरी है उस मैकेनिज्म के अराउंड में या फिर नहीं। एंड एट द सेम टाइम गेस व्हाट, क्या होता है यहाँ पे, ट्रू कॉलर निकल के आता है जिसने तीनों कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर ली है, टेबल पे मतलब बातचीत चल रही है। ट्रू कॉलर ने ऐसा एक प्रोडक्ट बना लिया है जो कि AI के ऊपर बेस्ड है एंड बेसिकली स्पैम SMS को कर्ब आउट करने के लिए लगा हुआ है। बेसिकली फंडा काफी सिंपल है, ऐसे नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना AI के थ्रू की जो स्पैम फैला रहे हो एंड उन नंबर्स को ब्लॉक करके तुरंत के उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस तरीके का मैकेनिज्म ये लोग वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे फालतू के फॉरवर्डेड मैसेज, लोन ले लो, ये ले लो, अप्लाई, रमी सर्कल, पता नहीं क्या क्या जो आता है वो सब आना बंद हो जाए। आज की आखिरी अपडेट पे चलने से पहले फाइनली थैंक यू सो मच आप लोगों का जिसने स्किनली को बहुत अपना प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। बहुत सारे डिजाइन हमारे फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहे हैं जिसको हमको बार बार हमको स्टॉक इन करना पड़ रहा है, उससे पता चलता है कि आप लोग कितना मजा आ रहा है, प्यार मिल रहा है आप लोगों का। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के सारे टैग्स आ रहे हैं जब आप अपने स्किन्स को लगा के वहां पे डाल रहे हो, मैं सबके रीपोस्ट कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। बार बार स्टॉक इन करते हुए हमको पता चलता है कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। सो कहानी ऐसी है कि अब हमने लैपटॉप के स्किन्स भी लॉन्च कर दिए हैं, तो देखो यार कितने गजब के स्किन्स हैं। बेसिकली अंदर के चाहिए हो, बाहर के चाहिए हो, सब जगह के पॉसिबल हैं। बहुत सारे डिजाइन इस पे लैपटॉप के इस वीक हम लॉन्च कर रहे हैं। आज रात को 12 बजे या फिर कल दिन के 12 बजे तक ये सारे कलेक्शन जो है लैपटॉप्स का वो लाइव हो जाएगा
एंड अगर आपका लैपटॉप लिस्ट में वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे रीच आउट कर लेना। आई विल मेक श्योर कि उसको 1 से 2 घंटे के अंदर ऐड करा के आपका ऑर्डर फटाफट से प्रोसेस किया जाए। सो थैंक यू सो मच, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, स्किनली को जरूर चेकआउट कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। एंड चलते हैं अब अपनी आखिरी अपडेट पे जो कि है आती है BSNL की तरफ से। सो BSNL का खबर ये है कि अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे IT मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि BSNL की 4G की फील्ड टेस्टिंग चल रही है। अप्रोक्सीमेटली 200 साइट्स को उन्होंने अभी बोला है वहां पे रोल आउट करने के लिए, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 135 लाइव हो चुकी हैं। अब इसको इतनी तेजी से ये लोग रैंप अप करने जा रहे हैं कि ये जो साइट्स का नंबर है ये 200 साइट्स पर डे पे होने वाला है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। एंड उससे पता चलता है कि 2023 खत्म होने से पहले फाइनली यहाँ पे BSNL का 4G हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ थी आज की इस पूरी अपडेट के बारे में। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, गो स्किनली, सी या।